हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस आज हमारा डे मंडे जो हमारा है जोग्रफी का डे तो आज हम करेंगे फाइव क्वेश्चंस ऑन जोग्रफी जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा वर्ल्ड ओशनोग्राफी तो जिसके हमारे टॉपिक्स है सब टॉपिक्स ओशन्स टाइप ऑफ ओशंस एंड ऑल स्ट्रीट्स कवर हम करेंगे मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर्स ओशन टोपोग्राफी या फिर कोई ओशन ओशानिक फिनिना लाइक ओशन सेलिनिटी वगैरह इस पर आज हम फाइव क्वेश्चन करेंगे आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ओके फर्स्ट क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ला नीना एंड एल नीनो ये आप देखोगे ये बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में रहता है इसका इंपैक्ट हमें इंडियन मॉनसून पे इतना हमेशा दिखता है तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है प्लीज अटेम्प्ट करिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है ला लानीना एंड एल्नो की ओके okay, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ओशन करंट्स पे तो सिंपल क्वेश्चन है ये कि ओशन करंट्स को कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं ओके थर्ड क्वेश्चन ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी है मेडिटेरेनियन सी इस पे देखोगे हर साल मतलब पिछले चार साल में ही देख लेना दो या तीन बार यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये एक्चुअली ये क्वेश्चन था आई गेस ट्वेंटी फिफ्टीन सिक्सटीन का क्वेश्चन है ये और ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का तो हम इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं ताकि हमारे दो नंबर फ्री के हो जाए राइट तो ओशंस ओशंस के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है उस पर भी इस क्वेश्चन ये ओके ओशन सेलिनिटी यूपीएससी इस पर पूछ भी चुकी है मेंस में भी क्वेश्चन तो थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं ओशन सेलिनिटी को लेके ताकि अगर क्वेश्चन कहीं भी आए प्रीलिम्स मेंस में हम सॉल्व कर सकें ओके फोर्थ हम देखेंगे बहुत न्यूज़ में रहते हैं वेरियस स्टेट्स एंड ऑल तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये तो कौन कौन सी वो ओशनस या वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन ओके ओके फ्रेंड्स वीडियो पॉज करो एंड प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चन ओके फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ओके फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं इट सेंग्स स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू एलिनो एंड लानिनाट तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है वो बेसिकली इट इज एक्सप्लेनिंग दानीना क्या है लानिना इज बाय बायूजअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन इक्विटोरियल ये इतना पोर्शन सही है पर इसमें कीवर्ड वर्ड कैच वर्ड क्या था यूपीएससी ने यहाँ पैसिफिक की जगह इंडियन ओशन लिख दिया इसलिए दिस ऑप्शन इज रॉन्ग सेकेंड इट इज संगरस एलिनो इज कराइज बाई अन ओशन टेम्परेचर इन द इक्विटोरियलिफिक तो सेकेंड पार्ट में यूपीएससी ने सही कहा जगह इंडिया लिख दिया फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग तो देखो ऐसे भी यूपीएससी बेसिकली क्या टेस्ट करी हमारे कैरेक्टर को प्रेजेंस ऑफ माइंड को राइट सेकेंड स्टेटमेंट एलिनो हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन साउथ वेस्ट मानसून ऑफ इंडिया तो यह सही है बट नीना हैज नो इफेक्ट ऑन मॉनसून क्लाइमेट तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है कि एडवर्स इफेक्ट रहता है एलिनो का पर सेकेंड स्टेटमेंट लाल नीना हैज नो इफेक्ट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है इट दस हैज इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट रहता है उस टाइम क्या होता है यूजली हैव नॉर्मल रेनफॉल और अबव नॉर्मल रेनफॉल सो वी डू प्रेफर ऑलवेज लालीना ओके okay, तो बेसिकली होता कैल पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आई होप स्टेटमेंट तो सही दोनों रॉन्ग है तो आंसर वुड बी नीदर वन नॉट टू प्लेट्स अ लुक एट द एक्सप्लेनेशन पर दिस इज नॉर्थ अमेरिका नाउ इट्स विजिबल राइट साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका एशिया इंडिया इक्वेटर राइट ओवर हेर वी हैडियो पॉज करके मुझे बताओ इंडियन मॉनसून को लेके यहाँ पे कौन सा हाई एस्टेब्लिश होता है जिसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडियन मानसून में साउथ वेस्ट मानसून ओके दिस इज ऑस्ट्रेलिया दिस इज इंडोनेशिया सो बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है वी नो प्रेजेंस ऑफ ओशन करंट्स यहाँ पे क्या है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे विंड्स चल रही हैं राइट देन काउंटर इक्वेटोरियल करंट ओवर हेयर वी हैव कोल्ड ओशन करंट जिसको बेंगूला करंट बोलते हैं और पेरू कर सॉरी नॉट बेंगूला हमबोल्ड हमबोल्ड करंट और पेरू करंट आई गेस विजिबल नहीं है पेरू करंट या हमबोल्ड करंट हम ये बोलते हैं इसको राइट सो बेसिकली व्हाट इज नॉर्मल कंडीशंस ओवर हेयर नियर द साउथ अमेरिका रीजन यहाँ पे क्या कोल्ड ओशन करंट है एंड इंडोनेशिया यहां पे क्या है वार्म ओशन करंट जो डिफ्लेक्ट हो रही है Right, so now what is happening in normal conditions? Trade winds are blowing, so as trade winds blow from east direction to west direction towards the uh, coastal e region of Indonesia and Australia, so what is happening? Water is being dragged as water is dragged, surface water is dragged. So, what is happening? Vacuum is created, so underground water, or you can say subsurface, or you can bottom ocean water, it rises, which we call it as upwelling phenomena. So, cold ocean. Bottom ocean water rises, so it brings nutrients also. So what is happening? This leads to genesis of the cold ocean currents. So we find the along the western coast of North America and South America, we find the cold ocean currents. So in so this is the normal condition that is happening. So over here we have high pressure developed because cold water, high pressure on the western coast of uh, or you can say western Pacific or eastern coast of Indonesia, and Australia, we have low pressure over here. So this is a normal condition, right? El Nino you know, condition mein hota? usually? वट इज अपनिंग तो उस टाइम क्या होता है आ, ये एलिनोफिनोमना पता है सन स्पॉट्स का लिंक्ड है आफ्टर एवरी फाइव टू सेवन ईयर्स होता रहता है सो so, उस टाइम पर क्या होता है कि जो इक्विटोरियल पैसिफिक ओशन है वो अन यूजअली वार्म हो जाती है सो वट इज हैिंग दिस काउंटर इक्विटोरियल करंट विच इज देयर इट बिकम्स इट्स इंटेंसिटी इंक्रीजेस सो वट इज हैिंग इट्स वार्म वाटर स्टार्ट मूविंग फ्राम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन अर्लियर क्या हो रहा था नॉर्मल कंडीशन में ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था ड्यू टू ड्रैग बाय ट्रेडवेंट्स तो यहाँ पे वार्म ओशन करंट्स इकट्ठा हो रहा था इस रीजन में वार्म ओशन करंस इकट्ठा हो रहा था पर अब क्या हो रहा है रिवर्स हो रही सिचुएशन अब क्या हो रहा है काउंट एलिनो uh, के टाइम so 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 पे काउंटर इट बिकम इफेक्टिव सो वार्मशन करंट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन सो नाउ एज दे मूव सो दे स्टार्ट रिप्लेसिंग दिस कोल्ड ओशन करंट्स ऑल्सो सो दे स्टार्ट रिप्लेसिंग दिस सो वट इज अपनिंग ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका हमारे पे वहाँ पे लो प्रेशर बनना स्टार्ट हो रहा है सो क्या हो रहा है सारी कंडीशंस जो ओशन एटमोस्फिक इंट्रैक्शन फिनमुना से जो एक सर्दन ऑसिलेशन क्रिएट हो रहा था वो सारा रिवर्स हो गया सो इट इज़ एपिन लो प्रेशर इन साउथ अमेरिका तो वहाँ पर जो अवेलिंग हो रही थी वो भी रुकी तो अवेलिंग नहीं हो रही तो अब क्या हो रहा है साउथ अमेरिका में लो प्रेशर हो रहा था तो वहाँ पर एयर राइज करेगी वहाँ पर रेनफॉल होगी सो so, इन दिस साउथ अमेरिका जो डेजर्ट एरिया बनता है वहाँ पर प्लीज़ मुझे वीडियो पॉज करके बताओ कौन सा डेजर्ट बनता है साउथ अमेरिका में <laughs> ओके okay, जो डेजर्ट बनता है अब वहाँ पे क्या हो रहा है लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो ऑब्वियसली रेनफॉल होगी तो यहाँ पे रेनफॉल की वजह से क्या हो रहा है ऑब्वियसली ग्रीन वेजिटेशन हो गया पर उसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ लानीना सॉरी एलिनो बिकॉज अब वेलिंग नहीं हो रही न्यूट्रियस नहीं आ रहे तो वहाँ पर फाइटो प्लान्ट नहीं जनरेट होंगे फाइटो प्लान्ट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फिशेज नहीं आएंगी फिशिज नहीं आएंगी तो ह्यूमन एक्टिविटी जो फिशिंग ग्राउंड क्रिएट हो रहा था तो वो इफेक्ट होगी तो होल इकॉनमी गेट्स इफेक्टेड तो एलिनो का ये इम्पैक्ट होता है और इसका इंडायरेक्टली इम्पैक्ट क्या होता है अब यहाँ पे तो बारिश हो रही है पर इन इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया पार्ट व्हाट इज हैपनिंग यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया तो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया तो सब्सिडेंस ऑफ एयर एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन तो इस दिस लीड्स टू तो ड्रॉट कंडीशन दिस इज हैपनिंग ड्रॉट कंडीशन और साथ में क्या हो रहा है अब अब यहाँ पर हाई क्रिएट होता है जो मैंने आपसे पूछा कौन सा हाई क्रिएट होता है तो उस हाई से यूजली नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है

मानसून दिस इज हाउ इज हैपनिंग इन केस ऑफ लाल लीना वट इजनिंग नॉर्मल कंडीशन ही थी बट वट इज हैिंग वहां पर नॉर्मल कंडीशन और ज्यादा इंटेंसिफाई होगी सो वट इज हैिंग इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलियन पार्ट में लो प्रेशर कुछ ज्यादा क्रिएट हो गया राइट सो वी हैव हैवी रेनफॉल इन इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया तो वहां पर फ्लड वाली कंडीशन आ जाती है एंड यूजली लालीना सपोर्ट इंडियन मानसून दिस इज द बेसिक फिनिना ओके आई होप इट्स क्लियर लालिना एंड एलिनो राइट इजी था क्वेश्चन ये जस्ट आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देनी थी इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा था राइट ओके इजी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स रोटेशन ऑफ द अर्थ अब देखो ओशन करंट्स मूव कर रही है विनो रोटेशन ऑफ सपोज this is america africa right south america this is also africa sorry north May europe so what is happening we, we do find ocean currents moving but as we find ocean currents moving along the coast of the north america we see after they cross 40 degree latitude they start moving in right direction they get deflected why is this happening because of rotation of earth generates generates coriolis force and this force deflects the विंड एयर एवरीथिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेर इन द राइट डायरेक्शन इन दर्दन हमिस्फेर इन द लेफ्ट डायरेक्शन सो दिस इज ट्रू एयर प्रेशर एंड विंड ऑब जस्ट सॉर इन द प्रीवियस क्वेश्चन इट से ड्रैग वाटर विद सेल्व सो दे क्या कर रहे है ओशन करंट्स जनरेट कर रहे हैं सो नॉर्थ ही डोल करंट ऐसी साउथ में साउथ करंस जनरेट कर रहे हैं सो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट देन डेंसिटी ऑफ दी ओशन वाटर वी डो नो डेंसिटी अगर ज़्यादा होएगी अगर डेंसिटी ऑफ दी ओशन वाटर ज़्यादा है तो क्या क्या हैवी हो जाएगी वो सिंक करेगी दिस लीड्स टू जेनेसिस ऑफ दी हम क्या बोलते हैं वाटर मासिस बेसिकली नाइनटी परसेंट ऑफ वाटर जो ओशन वाटर में जो मूवमेंट होती है वो हमें कहाँ दिखती है सब सरफेस मूवमेंट तो बेसिकली अगर ये ओशन है तो ओशन का जो टॉप है सरफेस वाटर एंड नीचे हम बोलते हैं सब सरफेस वाटर तो मेजोरिटी ऑफ मूवमेंट कहाँ हो रही है नाइन्टी परसेंट की यहाँ पर हो रही है नाइन्टी परसेंट वाटर की मूवमेंट सब सर्फेस में दिखती है टेन परसेंट ओली इन दिस सो वट इज अपनिंग इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा था यू पी ने वाटर मासिस पे मेन्स में कि वाटर मासिस क्या होते हैं राइट सो वट इज अपनिंग पोलर एरियाज में जो वाटर मास जो वाटर बॉडीज होती है वो क्या रहे ओशन वाटर यू कैन से वो अब टेम्परेचर लो है डेंसिटी इंक्रीज होगी ऑल्सो जो जितने सारे सॉल्ट वाटर होते हैं वो सारे हमें डीप ओशन में ही मिलते हैं राइट ओशन सरफेस पे सो वट इज़ अपनिंग जो ओशन वाटर है कोल्ड है डेंसर है वो सिंक कर जाता है सो वट इज अपनिंग ओवर हिल सिंकिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस सो एज इट सिंक्स सो ये वहां तक सिंह करता है जहां तक उसकी डेंसिटी सेम नहीं है जा, जा, पे उसकी डेंसिटी सेम होगी मूविंग इन फ्रॉम नॉर्थ वर्ड टू इक्वेटर्स और यू कैन सेन पॉइंट टू इक्वेटर सो बेसिकली इक्वेटर वर्स यू कैन सेक्वेटर वर्स दिस इज वट सो डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर ऑल्सो एफेक्ट्स दी दिस मूवमेंट ऑफ ओशन करंट सो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट फोर्थ इज रेवल्यूशन ऑफ द अर्थ देखो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पे इतना फर्क नहीं होता है रेवोलूशन ऑफ द अर्थ का रोल मेनली होता है ऑन द सीजन्स सीजन्स चेंज होना पर ओशन करंट पर इंपैक्ट नहीं है तो फोर्थ इज रॉन्ग सो आंसर वुड भी वन टू एंड थ्री इजी था यू पी एस सी ने इतना कंफ्लिक्ट नहीं डाला था अगर हम इसमें डी में वन भी डाल देते तो डिफिकल्ट हो जाता पर यूपीएससी ने इतना कॉम्प्लेक्स नहीं किया राइट ईजी क्वेश्चन था तो आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन पार्ट और फैक्टर्स क्या है इंसोलेशन प्लानिटेरियंस ग्रेविटी सेलिडिटी ऑफ द ओशन वाटर एंड शेप ऑफ कोस्ट टाइम ये सब फैक्टर्स भी डिटरमाइन करते हैं मूवमेंट ऑफ द ओशन करेंट्स ओके देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ये विच ऑफ द साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज डज नॉट ओपन टू मेडिटेरियन सी ओके तो कईयों को तो आता होगा जॉर्डन कईयों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व सोल्व करोगा इट्स गुड ओके लेट्स सी हमें याद करना है सी देर ट्वेंटी और मेडेंसी हर साल न्यूज में भी रहता है अभी भी न्यूज़ में था प्लीज मुझे बताओ एक एजेंसी का एक इशू है मुझे बताओ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है एजेंसी में और एक इशू था अभी एक टर्की ने ग्रीस को कहा कि जो एजेंसी के आइलैंड्स हैं उन सबको डीमिलिटराइज करो तो आप लोग के लिए होमवर्क है वो कौन कौन से आइलैंड्स हैं जहाँ पे क्या कहते हैं डिमिलिटाइजेशन करने को कहा है टर्की ने ग्रीस को तो यूपीएससी ये भी पूछ सकते हैं कि ये आइलैंड और ये कौन सी सी में है या कौन सी कंट्री के अंडर आता है तो ये भी पूछ सकते यू यूपीएससी तो प्लीज़ ये आपका होमवर्क है मुझे बताओ एजियन सी में कौन कौन से आइलैंड्स प्रेजेंट है उसको जोग्राफिकल से भी देख सकते हो आप एक और डायमेंशन ऐड कर लो वालकैनिक है कोरल है या कॉन्टीनेंटल है यूजली मेडियन में हमें वॉलैनिक मिलते हैं रीजन क्या है वो भी मुझे बताओ कि क्यों वहां पे हमें वॉल्केनिक माउंटेन्स मिलते हैं मेडिटेरेनियन सी में राइट right? ओके okay, तो बेसिकली हमें क्या क्या याद करना है मेडिटेरेनियन सी है तो देखो कौन कौन बॉर्डर करे टर्की है यहां पे सीरिया देखो सीरिया टच कर रहा है लेबनान टच कर रहा है इसराइल टच कर रहा है जॉर्डन का कोई बाउंड्री नहीं है तो बेसिकली ऑप्शन में क्या था सीरिया लेबनान इसराइल ये तीनों है जॉर्डन नहीं है तो आंसर वुड बी जॉर्डन राइट ओके देन हम यहाँ पे टुनिशिया हो गया मोरक्को स्पेन पोर्चुगल वी हैव देन फ्रांस राइट देन वी हैव इटली क्रोएशिया सर्बिया नहीं है राइट right? ग्रीस और भी कंट्रीज हैं और भी हम देख सकते हैं अल्जीरिया टुनिशिया लिबिया इजिप्ट राइट आर दी कंट्रीज ग्रीस वी हैव सीन अल्बानिया, मॉन्टीनिग्रो देन बोस्निया, हर्जीगो ये भी टच कर रहा है क्रोएशिया देन यहाँ पे ध्यान रखना स्लोवेनिया स्लोवेनिया भी उस बॉर्डर पे आता है ये ध्यान रखना स्लोवेनिया राइट right? तो ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि तो ये बेसिकली आपकी रिविजन भी होगी आ, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ते हो ये सारी कंट्रीज बल्कनाइजेशन वगैरह ये सब जो आपके फिनमिना पढ़ते हो लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कहाँ से स्टार्ट होता है सर्बिया से स्टार्ट हुआ था तो पर सर्बिया नहीं बॉर्डर करता यह ध्यान में रखना ऐसे भी आप लिंक कर सकते हो इटली की यूनिफिकेशन आप पढ़ते हो सार्डीनिया कॉर्सिका ये सब ये आईलैंड जो मेन मेन आइलैंड सीखना याद कर लेना प्लीज़ ऐसे यूपीएससी पूछती है देख क्रीट आइलैंड भी न्यूज़ में था डिस्प्यूटेड है ये भी ग्रीस और टर्की के बीच में तो ये बेसिकली ऐसे यूपीएससी पूछती है क्वेश्चन राइट सिप्रस सिप्रस भी न्यूज में था राइट और ये एजेंसी जो मैंने कहा था तो एजेंसी के कुछ आइलैंड वगैरह ये है प्लीज देख लेना रट्टे मार लेना चलोसॉस लिमनोस नेक्सोस कॉस ऐसे याद कर लेना जो सारे ऑस वाले हैं इनमें ऐड कर रहे हैं राइट right? एजेंसी के बॉर्डर कौन करते हैं वो सब आप देख लेना ओके okay? और और एजेंसी ब्लैक ब्लैक ऑफ़ सी के बीच में कौन सी सी है सी ऑफ तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट है आपके लिए राइट right? और ये भी पूछ सकते यूपीएससीजेंट सी के कौन कौन सी और सीसी सी ज्वाइन करती है छोटी छोटी योनियन सी सी ऑफ क्रिएट एजेंसी राइट क्लियर ओके फोर्थ क्वेश्चन रिगार्डिंग ओशन सेलिनिटी ईजी क्वेश्चन था ये भी डिफिकल्ट नहीं था इसमें बस क्या ध्यान में रखना था आपको यहाँ पे मैंने इनकरेक्ट बोला था पूछने को तो बेसिकली ये क्या बोल रहे ओशन सेलिनिटी तो ओशन सेलिनिटी है राइट right? तो इन केस ऑफ ओशन सेलिडिटी वी ऑब्जर्व जैसे थर्मोक्लाइन होता है वैसे हेलोक्लाइन जहाँ पे एकदम से अब्रप्ट चेंज ऑफ सेलिनिटी वैल्यू दिखती है तो हमें यहाँ पे क्या दिख रही है अब्रप्ट चेंज एकदम से इंक्रीज होती है सेलिनिटी बिकॉज सॉल्ट जो होंगे सॉल्ट के अगर रहे है, हैवी होते हैं तो सेटल सेटल डाउन हो जाती है बॉटम पे तो हमें सेलिडिटी मैक्सिमम कम मिलती है हमेशा बॉटम पे तो हमेशा सेलिनिटी इंक्रीज होती है हैज वी मोर फ्रॉम सरफेस टू दी बॉटम ऑफ दी ओशन पर एकदम से एब्रप्ट इंक्रीज हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं हेलोक्लाइन सो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे डिक्रीज लिखा था पर क्या होना था इंक्रीज ये ध्यान में रखना राइट फर्स्ट इज रॉन्ग सेकेंड क्या बोल रहे हैं सेलिडिटी इज लोअर देन द एवरेज इन इक्विटोरियल वाटर्स अब देखो यूजली हम क्या बोलते हैं जनरली सैलिनिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्विटोरियल टू दिस थिंग क्या कहते हैं पोलर एरियाज राइट पर हमें मैक्सिमम सेलिनिटी कहाँ मिलती है ट्रॉपिकल वाटर्स में नॉट इक्विटोरियल वाई इक्विटोरियल रीजन में क्या हो रहा है हंडर स्टॉम्स क्रिएट हो रहे हैं डेली टू टू फोर पी एम के बीच में हैवी रेनफॉल हो रही है तो वाटर अगर हो रही है वाटर इज अ इज टेकिंग प्लेस सो वट हैपन इट विल डेली सैलिनिटी अमाउंट सो दिस विलीड टू एवरेज से लोअर देन सेलिनिटी वैल्यू सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ओके ये ध्यान में रखना तो मुझे uh, जैसे अब कॉन्सेप्ट हमने uh, बात की है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सेलिनिटी तो फ्रेंड्स मुझे बताओ कि वट आल फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग द सेलिनिटी ऑफ द ओशन फैक्टर्स प्लीज ये बताओ और मुझे ये भी बताओ सैलिनिटी सेलिनिटी uh, की बात कर रहे हो सॉल्टस की बात कर रहे हैं तो शेयर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं सैलिनिटी में तो हमें सारे याद नहीं करने हैं बस मुझे फर्स्ट टू बताओ मैक्सिमम शेयर कितना किस किस सॉल्ट का है सैलिनिटी में और सेकंड का बस यही दो याद करने है हमें तो प्लीज शेयर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स तो ओनली फर्स्ट टू सॉल्ट्स का बताओ हॉले ओके right? okay. <laughs> अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर एक अच्छा क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है आप टेस्ट सीरीज में देख सकते हो ज्योग्राफी के तो उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है उसमें इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है आप ट्राई करना वो क्वेश्चन राइट लगेगा वो टफ क्वेश्चन है पर वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ दी सीज को हम बेसिकली डिफरेंट सीज की लोकेशन है और उस सीज की चाहे आपको बस आइडिया लेना है कहाँ पे लोकेटेड है और उससे बताने की किसकी सैलिनिटी ज्यादा है किसकी कम है और वो एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ही है आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर क्वेश्चन क्लियर आपका आंसर वुड बी वन ओनली बिकॉज सेकेंड इज करेक्ट वन इज रॉन्ग सो पूछा गया इनकरेक्ट सो ए इज करेक्ट राइट ये डायग्राम सेल का एनसीआरटी से है तो आप यूज कर सकते हो अदरवाइज क्वेश्चन ओके लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्या बोले स्ट्रेट ये डिफरेंट स्टेट न्यूज में रहते हैं सो करेक्ट वन आर टू एंड थ्री वन इज रॉन्ग देखो बब एल मंडेप ये बेसिकली हमें कहाँ मिलता है यूजली ये भी एक फेवरेट एरिया यूपीएससी का मिडल ईस्ट तो है ही है सो so, बेसिकली एक हमें यहाँ पे स्ट्रेट मिलता है विच इज कनेक्टिंग पर्शियन गल्फ विद अरेबियन सी सेकेंड स्टेट हमें यहाँ पे मिलता है जिसे हम बोलते हैं बब अल मंडेप जो कनेक्ट किसको कर रहा है रेड सी विद अरेबियन सी सो या फिर गल्फ ऑफ ओमान भी यहाँ पे आ गया उसको भी बोल सकते हैं अरेबियन सी भी सो दिस इज सो बेसिकली पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कौन कनेक्ट कनेक्ट सॉरी दिस इज नॉट गल्फ ऑफ ओमान दिस इज ये ओमान यहाँ पे है ऊपर सॉरी हाँ तो पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को ये कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है प्लीज मुझे वीडियो पॉज करके बताओ आपकी रिविजन है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है अगर ये चोक अगर ये पॉइंट चोक हो गया तो ऑब्वियसली इंडिया इंडिया सबसे ज्यादा सफर करेगा चाइना भी सफर करेगा ऑलैक्ट सेकेंड सो तो बबल मंडीप कनेक्ट्स वर्ड रेड सी विद रेव सी सो तो फर्स्ट इज रॉन्ग सो तो फर्स्ट इज रॉन्ग तो अब हमें देखना सुंडा एंड फॉर्मोसा स्ट्रेट अब देखो फॉर्मोसा स्ट्रेट क्यों मैंने पूछा बिकॉज ये न्यूज में है फॉर्मोसा मोसा स्ट्रेट को हम ताइवान स्टेट भी बोलते हैं अगर मैं ताइवान लिखता course, पेली, पेली China, China, Taiwan, so sea, तो ऑफकोर्स आपको पहली पता चला थर्ड इज़ करेक्ट बिकॉज ताइवान इज चाइना वी हैव चाइना वी हैव ताइवान सो ओवर वी हैव साउथ चाइना सी ओवर वी एफ ईस्ट चाइना सी तो यहाँ पे कौन सा स्टेट आ गया ताइवान स्टेट तो आप वैसे ही गेस कर जाते पर ताइवान को फॉर्मोसा मसा स्ट्रेट भी बोलते हैं तो थर्ड इज़ करेक्ट देन कम सुंडा स्टेट सुंडा स्टेट के बेसिकली इट इज़ बिटवीन इंडोनेशियन आइलैंड वहाँ पर एक सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा स्टेट है जो कनेक्ट कर रहा है जावा सी को और इंडियन ओशन को डायग्राम में देख लेते हैं बबल मंडे गल्फ ऑफ एडन रेड सी बिकॉज येमेन की कैपिटल है एडन तो इसलिए गल्फ ऑफ एडन बोलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडोनेशिया तो ये सुमात्रा आई होप मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था नॉर्थ वाला आइलैंड कौन सा सुमात्रा फिर साउथ में जावा आता है ये यूपीएससी ने पूछा भी था कि अंडमान निकोबार से नियरेस्ट इंडोनेशियन आइलैंड कौन सा है सुमात्रा जावा ऐसे तो सुमात्रा तो उसी को फर्दर कंटिन्यूटी के लिए रिविजन होगी हमारी सुमात्रा जावा तो यहाँ पे क्या जावा सी ये इंडियन ओशन तो इसको कनेक्ट कौन सा कर रहा है सुंदर स्टेट फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे हमें एक और है लम्बॉक स्ट्रेट ये ध्यान में रखना लम्बॉक स्ट्रेट सुमात्रा सुंदर स्ट्रेट राइट देन ऐसी मोस्ट फेमस हमारा चोक पॉइंट है स्टेट ऑफ मलाका राइट तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है साउथ चाइना सी और ये सिंगापुर में है राइट यहाँ पे इंडियन ओशन ये ध्यान रखना बस और जावा ये इंडोनेशिया बेसिकली सुंदर स्टेट क्यों पूछा यहाँ पे रिसेंटली एक वॉलकैनिक इप्शन हुई थी अनक करा कटाओ वॉलकैनिक तो उस पर बेस्ट क्वेश्चन है ध्यान में रख के। ऐसी लास्ट चाइना ताइवान को क्लिक ज्वाइन कौन कर रहा है ताइवान स्टेट जिसको फॉर्मोसा स्टेट भी बोलते हैं तो ईजी क्वेश्चन था ये राइट आई होप ये फाइव क्वेश्चन बेसिकली ईजी थे जस्ट टू गिव यू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ दिस टॉपिक्स इसलिए मैंने फ्रेम किए थे क्वेश्चन राइट right? इसके और डिफिकल्टी लेवल ऑफकोर्स इंक्रीज हो सकते हैं वो okay? Okay, okay friends, है, हम वेट टाइम देखेंगे, ओके 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 फ्रेंड्स जैसी प्रीमिक्स के क्वेश्चन है वैसे ही हम प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ला रहे हैं 2023, उसमें हंड्रेड क्वेश्चन होंगे पोर्टल पर आपको वीडियो सोलूशंस भी मिलेंगे आपको क्या कहते हैं डिटेल्ड पी सोल्यूशन भी मिलेगी राइट right? और थ्री लेवल ऑफ टेस्ट आएंगे फंडामेंटल लेवल एडवांस फुल लाइन टेस्ट फंडामेंटल में क्या टेस्ट रहेंगे हर सब्जेक्ट के दो टेस्ट रहेंगे हर स, हर सब्जेक्ट को हमने दो सिलेबस में डिवाइड कर कर रखा है हाफ हाफ में राइट बीच में एडिशनल दो टेस्ट रिविजन टेस्ट होंगे जो जितना सारा पढ़ा है उसमें वो कवर होएगा उन वो सारा जो सपोज वन टू थ्री टेस्ट हो गया तो आफ्टर थर्ड क्या होगा फोर्थ टेस्ट वो रिविजन टेस्ट होएगा जिसका सिलेबस होगा वन टू थ्री का टेस्ट का सिलेबस इन एडिशनल हम करंट अफेयर भी उसमें इंट्रोड्यूस कर लेंगे अदरवाइज फंडामेंटल टेस्ट में हम स्टैटिक पे कन्फाइन गं, रहेंगे ताकि हमारे स्टैटिक अच्छे से कवर्ड हो फिर हम करंट फेयर के साथ मूव करेंगे फिर एडवांस लेवल टेस्ट वहाँ पे होगा फुल सिलेबस टेस्ट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और उसमें करंट स्टैटिक कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल हर चीज़ कवर होगी फिर थर्ड लेवल ऑफ टेस्ट फुल एंड टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट तो उसमें हर चीज़ यूपीएससी लेवल ऑफ क्वेश्चन हंड्रेड का चलेगा उसमें सब्जेक्ट की वेरिएशन करेगी कभी हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा होगी कभी साइंस एंड टेक के ज़्यादा हो गए कभी इवायरमेंट के जैसे यूपीएससी वेरी करता है डिफिकल्टी लेवल भी वेरी करेगा तो उस पर बेस्ट क्वेश्चन होंगे राइट तो आप फर्स्ट टेस्ट हमने ओपन रखा है पॉलिटी का था फर्स्ट हाफ ऑफ क्वालिटी आप जाओ पोर्टल पर लॉग करो सब डिटेल्स आपको मिलेगी वहाँ पे डिटेल्स शेड्यूल ऑफ द टेस्ट भी मिलेगा और पहला टेस्ट आप सॉल्व करो ताकि आपको आइडिया लगे क्वालिटी ऑफ टेस्ट का राइट ओके थैंक यू फ्रेंड्स सो मच एंड हैव अ नाइस डे हेड एंड कोई डाउट हो प्लीज़ यू ऑल कैन अप्रोच मी एनी टाइम राहुल एट स्लीपी क्लासेज डॉट कॉम एंड आई एम ग्लैड दैट यू ऑल आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड हेल्पिंग ऑफ टीचर दर ऑन द प्लेटफॉर्म इट्सल्फ कमेंट सेक्शन आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो बाकी लोग लर्न कर रहे हैं इवन आई हैव फाउंड इफ समन इज मैंशिंग सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यू आर करेक्टिंग दैट पर्सन सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग सो कीप इट अप दैट्स अ ग्रेट टीम एफर्ट ओके एंड ऑफकोर्स यू कैन कॉन्डक्ट मी एनी टाइम ओके थैंक यू सो मच हैव एन आई से हेड